हेलो एवरीवन, हम लोग 30-30 मिनट में क्लास को स्प्लिट कर दे रहे हैं। आपकी पहली दो क्लासेस 30-30 मिनट के पार्ट्स में रही होगी। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूशन में कोशिश करेंगे, इसको भी 30 मिनट का ही रखेंगे, स्प्लिट कर देंगे कि आप लोग ना इजीली पढ़ो। मजा आता है ना यार, 30 मिनट की छोटी सी क्लास एक शॉट बैठ के निपटा दिया। कोशिश करूंगा इस क्लास को भी 30 मिनट के पार्ट में तोड़ दूंगा। ओके सर, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, जानते हो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये जो दो क्वेश्चंस हैं ना आपके, ये मल्टीपल मल्टीपल सेक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे ट्रू फॉल्स है, करेक्ट इनकरेक्ट है, ट्रू फॉल्स है, या कुछ अलाउड है या नहीं अलाउड है, इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो वो क्या है कि बहुत से सेक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उन्होंने लिख दिया है, उसी को पूछ दिया है। तो बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने के अंदर, कि वेरियस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स को हम देख लेंगे यहाँ पे। ओके सर, आइए सर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमसे कह कह रहा है कि एग्जामिन करो विथ रीजन, रीजन के साथ, ठीक है। द अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 पीजीबीपी के लिए। आप बताइए कि क्या ये एक्सपेंस अलाउड होंगे कि नहीं अलाउड होंगे। अगर अलाउड होंगे तो क्यों, नहीं अलाउड होंगे तो क्यों। ठीक है सर जी, एक्सपेंस रिलेटेड बात पूछ दिया। पहली बात कहता है ये, प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअरियल वैल्यूएशन। भाई साहब, दुनिया भर की बातें साइड करो, याद करो, इनकम टैक्स में कोई भी प्रोविजन अलाउड ही नहीं होता है। बेसिकली बेसिक फंडा क्या है, इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन अलाउड नहीं होता है। अपना बेसिक फंडा तो सर यही है ना। हाँ सर, बिल्कुल यही है। तो प्रोविजन मेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअरियल वैल्यूएशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ 5 लाख, हाउएवर नो पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेच्युटी वॉज मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब बताइए सर। सर देखिए, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं ना, देर आर सम एक्सपेंसेस जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक अगर नहीं हुए होते हैं तो वो खर्चे अलाउड नहीं होते हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं सर जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक अगर नहीं है तो सर वो अलाउड नहीं होते हैं। एज लाइक जैसे मान लीजिए सर, 31 मार्च 2023 के लिए हम अगर बात करें तो 31 मार्च 2023 यह खत्म हो रहा है। अगर आपका कोई बैंक में लोन था तो मान लीजिए सर, बैंक लोन है 1 करोड़ का, इसका मार्च महीने का इंटरेस्ट आता है 8 लाख रुपए। ठीक ठीक है सर, अब 8 लाख रुपए 31 मार्च को पे नहीं हुआ, अज्यूम करो आपने पे नहीं किया, अकाउंट में था ही नहीं कि कट पाए अकाउंट से, और अगर आप इस पैसे को रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक अगर भर देते हो तो ये खर्चा अलाउड होता है, अगर नहीं भरते हो तो नहीं अलाउड होता है। 31st of October है, जिस तरीके से रेलवे के पेमेंट्स, तो अगर आप रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक अगर ये खर्चा, मान लो इस महीने मार्च 23 का खर्चा अगर इस ईयर के प्रीवियस ईयर 22-23 की रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक भर देते हो तब तो ठीक है, अगर नहीं भरते हो तो भी आपको ये खर्चा अलाउड नहीं होता है। उसी तरीके से ग्रेच्युटी का खर्चा, आपने चूंकि रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक नहीं भरा तो आपको अलाउड नहीं होगा। दूसरी बात, आपने जो प्रोविजन बनाया, वो एक्चुअरियल वैल्यूएशन पे बनाया है। सर इन्होंने एक टर्म लिख दिया एक्चुअरियल वैल्यूएशन, आपको लगेगा ओके ये कोई साइंटिफिक रीजन था, बनाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक्चुअल में पेमेंट नहीं हो रहा है या पेबल नहीं है, या एक्चुअल पेमेंट के हिसाब से नहीं बना है तो इस तरीके का कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं होता है। सिंपल सी बात थी सर ये। देख लो सर, इन लोगों ने एक्चुअरियल वैल्यूएशन एंड दुनिया भर की बातें इसलिए लिख दी कि आपको लगे यार यार इसको तो अलाउड होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए, और एट लास्ट क्या होता है, वो अलाउड नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अलाउड एज डिडक्शन एज पर सेक्शन 48(7), नो डिडक्शन इज अलाउड इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन मेड बाय द एसएससी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑन हिज एम्प्लॉय एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग टू केसेस। दो केसेस के अंदर ही ग्रेच्युटी के पैसे का प्रोविजन अलाउड है। वो कौन से दो केस हैं? पहला केस where any provision is made for purpose of payment of sum by way of contribution towards an approved gratuity fund. पहली बात सर, contribution toward approved gratuity fund होना चाहिए, जो बात यहाँ पे नहीं लिखी थी सर, कहीं पे भी ये बात नहीं लिखी थी कि towards approved gratuity fund है। दूसरी बात, where any provision is made, अगर provision बना है, for the purpose of making any payment on account of gratuity that has become payable during the previous year, वो previous year में payable होना चाहिए, जो condition यहाँ meet out नहीं हुई है, previous year में payable भी नहीं हुआ है,
और भाई साहब ये अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड भी नहीं था, इसलिए इसका प्रोविजन अलाउड नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओ भाई लोग इधर देखो, आंसर देख रहे हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन सर, परचेजेस ऑफ ऑयल सीड्स, समझ लो सरसों का तेल निकालना है तो सरसों के बीज खरीद लिए, 50,000 इन कैश फ्रॉम अ फार्मर, फार्मर नहीं फार्मर, सॉरी फार्मर, ऑन अ बैंकिंग डे। अच्छा बैंकिंग डे पे फार्मर से 50,000 रुपए। सर हाँ, 48(3) रूल था। क्या था? 48(3) रूल था। क्या था सर? 10,000 रुपए पर डे पर पर्सन से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। ओके तो क्या ये अलाउड होगा? सर पहले तो लिख लो क्वेश्चन, ये सर अलाउड तो है, सर झूठ बोले क्या? 48(3) आपने पढ़ाया था, फिर से पढ़ाएंगे, एक्सेप्शन बताएंगे। आओ देख बेटा, 48(3) को थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। देख बेटा 48(3) क्या था, 48(3) में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी कैश पेमेंट अगर हम करते हैं जो 10,000 रुपए से ज्यादा है टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे, तो वो सर खर्चा डिसअलाउड हो जाता है। और यहाँ पे याद रखना, वो खर्चा आप नहीं कर सकते हो कैश में, वो खर्चा क्रॉस चेक के थ्रू किए हो या बेरर चेक के थ्रू किए हो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन अकाउंट पे चेक के थ्रू कर सकते हो, अकाउंट पे चेक के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भीम पे यूपीआई इन सभी के थ्रू वो खर्चे आप कर सकते हो। ठीक है ठीक है, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कर सकते हो, नेफ्ट आरटीजीएस कर सकते हो, बट कैश क्रॉस चेक और बेरर चेक के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक, दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड बाई कमीशन एजेंट टू रिसीव गुड्स फॉर सेल ऑफ ऑन कमीशन बेसिस। अगर कोई गुड्स आप कमीशन बेसिस पे बेच रहा है, कोई कमीशन एजेंट है, वो खुद गुड्स खरीद नहीं रहा है, वो खुद गुड्स खरीद नहीं रहा है, वो गुड्स कमीशन पे बेच दे रहा है, ओन अकाउंट भी नहीं खरीद रहा है, गुड्स बेच रहा है कमीशन पे, और अगर उसके लिए वो गुड्स का पेमेंट कैश में कर रहा है तो भैया वहां ये सेक्शन नहीं लगेगी। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है इस सेक्शन की सर, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, जैसे कि पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर्स अप टू 35,000 रुपए। सर 35,000 रुपए तक का पेमेंट ट्रांसपोर्टर को अलाउड होता है इन कैश, मतलब क्या सर? देखो सच्चाई तो ये है कि मान लीजिए सर ये रोड है, ठीक है, इस रोड पे जब आपकी ट्रक चल रही होती है ना, तो सर ट्रक ट्रक जो है ना सर, ट्रक मतलब चलाना आसान काम नहीं होता है सर, ट्रक चलाना आसान काम नहीं होता है। इस ट्रक में दो ड्राइवर होते हैं, एक क्लीनर होता है भाई, ये यूपी से लेके एमपी, एमपी उसके बाद फिर कर्नाटका चेन्नई पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसे घूमते रहते हैं, पूरा का पूरा ये इंडिया नाप देते हैं इस ट्रक से, एक छोर से दूसरे छोर चले जाते हैं सर। इनके बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, इनके खाने पीने रहने, इनका हर जगह का टोल का एक्सपेंस, कुछ फ्यूल का एक्सपेंस, दुनिया भर का एक्सपेंस सर, इनके बहुत से खर्चे ही कैश में होते हैं। तो कहा जाता है कि अगर आपने ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपए तक कैश में दिया है तो वो खर्चा अलाउड है, किसी और को नहीं बेटा, ट्रांसपोर्टर को। अगर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने 35,000 रुपीज तक कैश में दिए हैं तो वो खर्चा आपको अलाउड हो जाता है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। दूसरी बात, पेमेंट टू आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी या गवर्नमेंट या अदर किसी भी बैंक को किसी भी रीजन के लिए अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हो तो अलाउड है। भाई बैंक को दियो और आरबीआई को दियो, एलआईसी को दियो, कोऑपरेटिव बैंक को दियो, तो ठीक है ना, वो खर्चा तो अलाउड ही होगा ना सर। हाँ सर, पेमेंट टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को अगर आपने 10,000 रुपए से ऊपर का पेमेंट कैश में किया है तो सर वो भी आपको क्या होता है, अलाउड होता है। 10,000 रुपए से ऊपर का पैसा आप कैश में दे सकते हो किसको? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को। कोई बुक एंट्री कर दी, कोई एडजस्टमेंट कर दी, जैसे कि मेरे को आपसे 12 लाख रुपए देने थे, हम आपको 12 लाख रुपए देते हैं, आप हमको 15 लाख रुपए देते हैं, तो मैंने 12 लाख का सेट ऑफ मार दिया कि सेम डे आपसे मुझे 12 लाख मिल गए, अब केवल 3 लाख रुपए मुझे आपसे पाने, तो बुक एंट्री की ने एडजस्टमेंट की, तो वो हम कर सकते हैं। पेमेंट टू प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, लाइव स्टॉक या फिश प्रोडक्ट, इन लोगों को जो कि एग्रीकल्चर टाइप हो गए ना, या फिर कैटल स्टॉक वाले हो गए, फिश प्रोडक्ट, लाइव स्टॉक्स वगैरह हो गए, पोल्ट्री फार्म हो गई, इन लोगों को अगर कैश में पैसा भी दिए एग्रीकल्चरलिस्ट को, धान वाले को, खेतियर खेती करने वाले को, किसान को, देखो प्रोड्यूसर लिखा है ना यहाँ पे, देखो प्रोड्यूसर को, तो भाई कैश में खर्चा अलाउड है। आपका क्वेश्चन इसी पे था, 50,000 रुपए ऑयल सीड्स के लिए मैंने कैश में दिए थे सर, वो खर्चा अलाउड इसीलिए हुआ था क्योंकि 48(3) का एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन नहीं एक्सेप्शन है,
उसके बाद अगर किसी को रिटायरमेंट बेनिफिट आप 50,000 रुपए तक का देती हो तो कैश में दे सकते हो। अगर आपको आपने किसी को पेमेंट दिया है, वेयर बैंकिंग फैसिलिटी नॉट अवेलेबल, जहां बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आप पेमेंट कर सकते हो कैश के अंदर 10,000 रुपए से ऊपर। अगर आपने अपने ही इंप्लॉय को पेमेंट किया है जो किसी और जगह इंप्लॉयड था, मतलब नॉर्मल प्लेस मान लो वो पुणे में, पुणे में आपने अपना इंप्लॉय रखा है, वो पुणे से चला गया हरद्वानी, हरद्वानी में चला गया वो, उसका नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस हरद्वानी नहीं है, हु प्लेस्ड अदर देन हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ बिजनेस, पुणे की जगह हरद्वानी चला गया और वहां पे वो 15 दिन से ज्यादा रह गया, तो सर आप उसको कैश में पेमेंट वहां करवा सकते हो। ठीक है, आप उसको वहां पे कैश में पेमेंट करवा सकते हो, 10,000 रुपए से ऊपर का चलेगा। पेमेंट टू मनी एक्सचेंज या ट्रेवलर्स चेक के लिए, मतलब मान लीजिए आपने 50,000 रुपए दे दिए और 50,000 रुपए के डॉलर लिए, फॉरेक्स में चेंज करवाया, तो सर फॉरेक्स वॉरेक्स वालों को आप जो पेमेंट करते हो, उनके ऑथराइज डीलर को जो आप पेमेंट करते हो कैश में, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो फिर पेमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री ऑन परचेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड विदाउट एड ऑफ पावर। अब सर देखो कॉटेज इंडस्ट्री क्या होगी, छोटी मोटी इंडस्ट्री समझ लीजिए, जो एक परिवार या एक इंडिविजुअल मिलकर चलाता है, और उसमें उस कॉटेज इंडस्ट्री में, इसको एक परिवार या इंडिविजुअल मिलकर चला रहा है, वो जो भी कॉटेज इंडस्ट्री प्रोडक्ट बना रहा है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि बांस की टोकरी बना के बेच रहा है, तो कॉटेज इंडस्ट्री में अगर ऐसा कुछ आप परचेज करते हैं जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए पावर का यूज नहीं हुआ था, तो वहां पे आप 10,000 रुपए से ऊपर का पैसा दे सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री के लिए। इसमें कॉटेज इंडस्ट्री बोले तो वो सर जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होती है, लोग घर से ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, घर परिवार के लोग मिलजुल के चला रहे होते हैं। ठीक है सर जी, तो ये एक्सेप्शन होती हैं 48(3) की। ओके सर, तो सर आपसे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था सर, परचेज ऑयल सीड्स ऑफ 50,000 इन कैश फ्रॉम अ फार्मर ऑन अ बैंकिंग डे, तो सर मैंने अभी बोला ना सर फार्मर को किया है तो सर अलाउड होता है, याद आ गया? 48(3) का एग्जेम्पशन था, एक्सेप्शन था कि अलाउड एज डिडक्शन एज पर रूल 6DD इन केस पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द कल्टीवेटर ग्रोअर और प्रोड्यूसर ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नो डिस अलाउंस अंडर सेक्शन 48(3) इज अट्रैक्ट इवन टू द कैश पेमेंट फॉर द एक्सपेंस एक्सीड्स 10,000 रुपीज। कैश पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा हो गया तो भी सर कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे नहीं होती है। Therefore, इसलिए इन द गिवन केस डिस अलाउंस अंडर सेक्शन 48(3) इज नॉट अट्रैक्ट सिंस कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ ऑयल सीड्स इज मेड डायरेक्टली टू द फार्मर। तो भाई यहाँ पे डायरेक्टली फार्मर को आपने पैसा दिया, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इज इट क्लियर विथ यू? यस यस सर। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय 20,000, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय 20,000, सर ये भी नॉन डिडक्टेबल है। मतलब क्या है, देखो हम बता रहे हैं आपको इसमें हुआ क्या है। देखो यहाँ पे आप एक छोटी सी बात समझो, इसमें हुआ क्या अभी आपको बता देते हैं सर। यहाँ पे देखो इम्प्लॉय इम्प्लॉयर है सर, ये इम्प्लॉय है। इम्प्लॉय मान लीजिए सर एक हाउस में रहता है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए, इसको सैलरी मिलती है सर 12 लाख रुपए। ठीक है सर, हाँ, तो जो इसको नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट मिला था, घर मान लो मिला रहने के लिए, उस पे जो टैक्स बनता है, अज्यूम करो उस पे टैक्स बनता है 20,000 रुपए। अब भाई साहब इम्प्लॉय की इनकम पे टैक्स बनता था 20,000 रुपए, इस टैक्स को पता है कौन भर दिया है? इस बैक्स को निकम्मा नालायक दुष्ट बदमाश कहीं का, निकम्मा नालायक दुष्ट बदमाश कहीं का इम्प्लॉयर भर दिया, ये पे कर दिया टैक्स। इम्प्लॉय का टैक्स इम्प्लॉयर ने पे कर दिया। भैया इम्प्लॉयर की जिम्मेदारी भी नहीं थी और इम्प्लॉयर के बिजनेस की भी जिम्मेदारी नहीं थी, तो इम्प्लॉय का नॉन परक्यूजिट, देखो टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट प्रोवाइड टू एन एम्प्लॉय 20,000 रुपए, उसके टैक्स को वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन द असेसमेंट इज द अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंस। भैया बिजनेसमैन ने भरा है टैक्स नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का, जो कि एम्प्लॉय का टैक्स बनता था 20,000 रुपए, वो एम्प्लॉयर ने भर दिया है एज पर क्वेश्चन, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ने भरा है तभी ना वो सोचेगा कि पीजीबीपी में हम डिडक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो सीधी बात, ये बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं थी तो इसलिए आप नो डिडक्शन, चूंकि ये बिजनेस की जिम्मेदारी नहीं थी इसलिए सर आप डिडक्शन नहीं ले सकते। दूसरी बात सर, ये जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट पे टैक्स 20,000 रुपए एम्प्लॉयर ने भर दिया, अब
आप जानते हो ना, एम्प्लॉयर से कोई भी बेनिफिट मिले तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन ये 20,000 रुपए एग्जेम्प्ट होता है। सर उसका कारण एक लॉजिक समझना, ये नालायक आदमी, ये जो इम्प्लॉय था ना, ये जो मेरा इम्प्लॉय था, ये पहले ही अपने टैक्स को नहीं भर रहा था, अपनी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के ऊपर टैक्स को ही नहीं भर रहा था, वो इम्प्लॉय ने भरा। अगर हम इसको कह दें कि ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, तो अब 20,000 रुपए टैक्सेबल आएगा इम्प्लॉय के हाथ में, अब उस पर भी टैक्स तो भरने वाला है नहीं। इसलिए कह दिया गया, अगर इम्प्लॉय के नॉन मॉनेटरी बेनिफिट के बनने वाले टैक्स का पेमेंट इम्प्लॉय ने कर दिया, तो वो वाला जो बेनिफिट है, जो टैक्स का पेमेंट हुआ, वो इम्प्लॉयर के हाथ में डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, क्लियर है। तो सर यहाँ पे ये कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट अवेलेबल एज डिडक्शन। इनकम टैक्स ऑफ 20,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी परक्यूज इट प्रोवाइडेड टू इट्स एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में तो एग्जेम्प्ट हो गया अंडर सेक्शन 10(10)(c) एज पर शेड्यूल 40A(5). सच इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज नॉट डिडक्टेबल व्हाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। तो भाई जब बिजनेस इनकम कैलकुलेट होगा तो एम्प्लॉयर के लिए भी वो डिडक्टेबल नहीं है, पीएल से चार्ज नहीं कर सकता है। आगे पढ़ते हैं सर। पेमेंट ऑफ 50,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन फॉर फायर इंश्योरेंस। अच्छा सर, क्या इंश्योरेंस लेना बिजनेस का खर्चा है? जी हाँ, जब आप लोन लेने जाते हो तो आप स्टॉक हाइपोथिकेशन में रखते हो, और इस स्टॉक का क्या करवाया जाता है? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस करवाना तो बिजनेस का खर्चा है, स्टॉक का इंश्योरेंस करवाना बिजनेस का खर्चा है। और अगर इंश्योरेंस का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दिए तो क्या ही प्रॉब्लम है? मैंने क्या बोला, कैश में, क्रॉस चेक में या फिर बेयरर चेक से नहीं करना चाहिए ना खर्चे का पेमेंट, जो 10,000 या उससे ज्यादा का है। तो सर यहाँ तो ओके है ना सर, मतलब जो 10,000 से ज्यादा का, यहाँ तो ओके है ना? तो सर यहाँ तो अलाउ हो जाएगा ना। फायर इंश्योरेंस का खर्चा क्रेडिट कार्ड से किया, और फायर इंश्योरेंस बिजनेस के लिए था, ओके सर अलाउड है। देख लीजिए, अलाउबल एज डिडक्शन। पेमेंट फॉर फायर इंश्योरेंस इज अलाउबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36(1). सिंस पेमेंट इज मेड बाय क्रेडिट कार्ड विच इज प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, दिस अलाउंस अंडर सेक्शन 48(3) इज नॉट अट्रैक्टेड इन दिस केस। भैया डिस अलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी, बोले तो डिस अलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगी, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अगर हम, अच्छा ये क्या था, सैलरी पेमेंट ऑफ 4 लाख टू मिस्टर एक्स आउटसाइड इंडिया बाई अ कंपनी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स अज्यूमिंग मिस्टर एक्स हैज नॉट पेड टैक्स ऑन सच सैलरी इनकम। ओके सर, देखो क्या हुआ, इंडिया के अंदर से, इंडिया के बाहर मिस्टर एक्स को कोई सैलरी पे चली गई, किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन को आपने आउटसाइड इंडिया कोई सैलरी पे की, समझो ये यूनाइटेड किंगडम में आदमी रहता, तो इसको आपने सैलरी पे कर दी कितने रुपीज की, 4 लाख रुपए की, और इस पर टीडीएस ही नहीं काटा, तो क्या सर? अरे भाई, अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो तो 30% खर्चा डिसअलाउड होता है। हाँ, लेकिन अगर आपने नॉन रेसिडेंट का टीडीएस नहीं काटा तो पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। यहाँ पे आइए, आपने क्या किया, आपने सैलरी का पेमेंट किया 4 लाख रुपए एक्स को, जो कि आउटसाइड इंडिया है, बाय अ कंपनी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स अज्यूमिंग एक्स हैज नॉट पेड टैक्स ऑन सच सैलरी इनकम। और इस वाली इनकम पे ना एक्स ने आके इंडिया में टैक्स भी पे नहीं किया, भैया पूरा खर्चा डिसअलाउड, पूरा खर्चा डिसअलाउड, कुछ सोचना ही नहीं है। देखिए, डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A(3) इज अट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेमेंट ऑफ 4 लाख आउटसाइड इंडिया बाय अ कंपनी विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। पूरा का पूरा सैलरी पेमेंट जो 4 लाख का था आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, वो डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउंस आ जाएगी पूरे के पूरे उसके ऊपर, पूरे के पूरे खर्चे के ऊपर। ओके ओके सर, सिक्स पॉइंट में आए। हाँ सर, पेमेंट मेड इन कैश ऑफ 30,000 रुपीज टू अ ट्रांसपोर्टर इन अ डे फॉर कैरेज ऑफ गुड्स। सर अभी पढ़ा 40A(3) के एग्जेम्पशन में 35,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं सर। ओ गड्डी लेके चले हम, आज गड्डी लेके मैं निकला हूँ गड्डी लेके, लेकिन किसके साथ? दो ड्राइवर एक कंडक्टर के साथ, इतने खर्चे, इतने टोल है भाई, कैश में पैसा चाहिए के चाहिए, 35,000 रुपए तक अलाउड है, तो इन्होंने 30,000 ही किया है। ओके नो प्रॉब्लम, अलाउबल एज डिडक्शन द लिमिट ऑफ अट्रैक्टिंग डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A(3) फॉर पेमेंट अदरवाइज दैन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और ईसीएस थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड इज ₹35,000 इन केस ऑफ पेमेंट मेड
और प्लाइंग हायरिंग लीजिंग गुड्स कैरेज देयरफॉर इन द प्रेजेंट केस दिस अलाउंस ऑफ सेक्शन 43 इज नॉट अट्रैक्टेड फॉर पेमेंट ऑफ 30,000 मेड इन कैश टू अ ट्रांसपोर्ट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स. इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, यहाँ तक की बात तो अपने को क्लियर हो गई है सर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी पढ़ा दो ना. क्या मजाक करते हो यार, आज ही पढ़ाऊं क्या? हाँ सर पढ़ा दो. चलो सर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. एग्जामिन विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या ये सही है या गलत है? क्या चीज? पेमेंट मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 16th Feb 2023 फॉर ₹25,000 थ्रू अ क्रॉस चेक इज हिट बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43. यस ट्रू. ये भाई ट्रू है. ये सीधे बोलता है कि ₹25,000 का आपने कोई पेमेंट किया है तो क्या उस पर 43 लगेगा? जी हाँ लगेगा, बिकॉज आपको अकाउंट पे चेक से करना था. इन्होंने क्या किया? क्रॉस चेक से करिया है. आप कहीं से भी करते ना यार, क्रॉस चेक, बेयरर चेक और कैश छोड़ के कुछ भी करो ना. ईसीएस कर दो, भीम पे कर दो, यूपीआई कर दो, गूगल पे कर दो, कुछ भी मन में आए करो. लेकिन नहीं, इन नालायक ने क्या किया, ₹25,000 क्रॉस चेक से किया. खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा बॉस, खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा और 43 का प्रोविजन हिट करेगा. क्या लिखा है? हिट करेगा ये वाला प्रोविजन. आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखा है. ट्रू. इन ऑर्डर टू स्केप द डिसअलाउंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 43, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑट टू हैव बीन मेड Through an account pay check होना चाहिए, cross check से नहीं. Payment through a cross check will attract disallowance under section 48(3). Is it clear? हाँ गुरुजी clear है. चलो B वाला part पढ़ते हैं. In a condition precedent to write off in the books of account, the amount due from a debtor to claim deduction for bad debt. Okay. सर यहाँ पे छोटी सी बात लेकिन जरूरी बात लिखा है. जब भी आपको कोई अमाउंट बैड डेट करना हो ना, मान लीजिए यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो चूंकि टू प्रोविजन फॉर बैड डेट आप लोग लिखते हो आज तक अकाउंट में, बैड डेट लिखते हो सर, आपको पता है कि प्रोविजन तो अलाउड ही नहीं है हमारे यहाँ. हमारे यहाँ तो प्रोविजन अलाउड ही नहीं है, तो सर अपने को क्या करना पड़ता है? सर टू प्रोविजन टू बैड डेट तो अपने लिख भी नहीं सकते ना. अब अपने को क्या करना होता है जब टू बैड डेट, जब रियल में बैड डेप्ट हो जाता है तो सर टू बैड डेप्ट हम लिख देते हैं. अज्यूम करो प्रीवियस ईयर 22-23 की ये पीएल बना रहे हैं. जब रियल में हो गया, मान लो रियल में कितने का हो गया बैड डेप्ट, यहाँ पे सर मान लीजिए सर 20 लाख रुपए का, 20 लाख का हो गया. अरे यार मान लीजिए सर 12 लाख रुपए का बैड डेट हो गया, ठीक है. तो जब रियल में बैड डेट होता है तो मान लीजिए शुभम के अकाउंट से हुआ है बैड डेट, तो जब हम शुभम का जो लेजर बनाए होंगे ना, शुभम के लेजर में भी 12 लाख रुपए हमको कम करके दिखाना पड़ेगा. शुभम जो मेरा डेटर होगा, करेस्पॉन्डिंग उसके लेजर को भी कम करना पड़ेगा. ओके सर, यही बात यहां लिखिए. दूसरी बात, मान लीजिए 31 मार्च 2030 तक का जो पीएल था, हमने 12 लाख रुपए दिखा दिया. शुभम भाई साहब आते हैं 1 सितंबर 2023 को, दैट इज प्रीवियस ईयर 23-24 में, कहते मैं धोखेबाज नहीं था, मैं मजबूर था, मेरी स्थिति खराब थी, मेरी नीयत खराब नहीं थी, मैंने तुम्हें 12 लाख रुपए तब नहीं दे पाया, मेरी कुछ मजबूरियां थी, मेरा समय कठिन चल रहा था, आज ये ले लो अपने 12 लाख रुपए. तब क्या दिखाया जाएगा? तब जब पीएल बनेगा ना 23-24 का, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई बैड डेप्ट रिकवर, यहाँ पे रिकवर आ जाएगा 12 लाख रुपए, याद रखना. ठीक है, ठीक है. तो आपसे क्वेश्चन अभी क्या कहा है कि क्या एक कंडीशन जुड़ी हुई होती है, मिली हुई होती है राइट ऑफ करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट की, द अकाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर टू क्लेम द डिडक्शन ऑफ बैड डेट. जी हाँ, अगर आपको राइट ऑफ करना है तो डेटर के अमाउंट को कम करना पड़ेगा, ये जुड़ी हुई होती है, एकदम ट्रू बात है. सॉरी, इट इज मैंडेटरी या अनिवार्य है, मैंडेटरी है टू राइट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अ डेटर एज नॉट रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट in order to claim the same as bad debt under section 36(1)(4), 36(1)(7), however, where the bad debt have been taken into account in computing the income of the SSE on the basis of ICDS, जिस तरीके से accounting standard होते हैं, उस तरीके से income tax के भी standards होते हैं, जिनको ICDS कहा जाता है.
नोटिफाई इंटरसेक्शन 145-2। सर आईसीडीएस कहां पढ़ने हैं? फाइनल लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है। विदाउट रिकॉर्डिंग द सेम इन द अकाउंट्स देन सच डेब्ट शैल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच डेब्ट बिकम इररिकवरेबल एंड इट शैल बी डीम्ड दैट सच डेब्ट एज अ पार्ट देयर ऑफ हैज बीन राइट ऑफ एज इररिकवरेबल द अकाउंट फॉर द स्टडी पर्पज। सीधी सी बात है, डेटर के अमाउंट को भी कम करना पड़ेगा। सर दूसरा वाला पार्ट पढ़ते हैं। फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B। आपने टीडीएस नहीं काटा है 17B के अकॉर्डिंग फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट एज अ रेंट और रॉयल्टी। ओके, आपने टीडीएस नहीं काटा किसी एनआर का टीडीएस नहीं काटा रेंट और रॉयल्टी का। विल रिजल्ट डिसअलाउंस व्हाइल कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। जी हाँ, तो वो खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा जब आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे। वेदर द नॉन रेसिडेंट पे हैज नॉट पेड टैक्स ड्यू टू सच इनकम। जी हाँ बिल्कुल, डिसअलाउबिलिटी आ जाएगी अगर नॉन रेसिडेंट पे ने उस पर कोई टैक्स भी पे नहीं किया है तो आपके ऊपर डिसअलाउबिलिटी आ जाएगी कि आपको खर्चा अलाउड नहीं होगा क्योंकि आपने टीडीएस नहीं काटा। आपने भी टीडीएस नहीं काटा, उस नॉन रेसिडेंट नारायक ने भी उस इनकम को दिखा के टैक्स नहीं भरा इंडिया में, तो भाई साहब आपका खर्चा डिसअलाउड कर दिया जाएगा। एकदम ट्रू बात है कि सेक्शन 40A सबसेक्शन 1 कहता है फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स फ्रॉम रेंट और रॉयल्टी पेबल टू अ नॉन रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B विल रिजल्ट इन डिसअलाउंस ऑफ सच एक्सपेंडिचर। खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा वेयर नॉन रेसिडेंट पेस जब नॉन रेसिडेंट पे हैज नॉट पेड टैक्स ड्यू टू सच इनकम, जब नॉन रेसिडेंट पे ने उस वाली इनकम पे टैक्स पे नहीं किया है। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलो सर 30 मिनट, ये 26 मिनट की ये वाली क्लिपिंग को अलग करते हैं, फिर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और बचे उसको भी बना देते हैं आपके लिए हम।